लोग नाराज क्यों हो जाते हैं आपसे, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग मेरे पास में आते रहते हैं काउंसिलिंग के लिए और पूछते रहते हैं कि देखिए, लोग मेरे बारे में गलत फहमी कर लेते हैं और मेरे बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और फिर मैं किसको इसको कैसा कैसा जवाब दूँ। लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, मेरे बारे में गॉसिपिंग करते रहते हैं। लोग मुंह पे तो अच्छा बोल लेते हैं मगर पीछे आपके गॉसिपिंग करेंगे, आपके बारे में नए नए वो बोलेंगे, तो फिर ये मैं कैसा टालूं। तो ये जब मैं उसको काउंसलिंग कर रहा था, उसको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम था, डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, उसको मैं जब काउंसलिंग कर रहा था, मैंने बोला कि भाई आप ये देखो कि आप खुद इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो। आप क्या इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है क्या कि लोग आपके बारे में जो बातचीत करते हैं वो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो ठीक ठाक रहता हूँ। बोले देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा, आप सोचो। तो नहीं है, तो फिर मैंने मेरी कहानी उसको सुनाई। जैसा मैं खुद व्यसन मुक्ति केंद्र चलाता हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैंने कभी मेरे ज़िंदगी में कभी सिगरेट को या शराब को छुआ नहीं। अब मुझे एक व्यक्ति ने उसके बर्थडे के ऊपर पार्टी दिया, और वो पार्टी में 8-10 लोग थे, डॉक्टर्स भी थे उसमें, और वो काफ़ी लोग अच्छे, मतलब वहाँ उसने पार्टी पे बुलाए थे, और वहाँ जब बुलाया तो मैं भी गया पार्टी में कि चलो भाई बर्थडे पार्टी है, चलो मैं भी जाऊँ, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि वो पार्टी में उन्होंने कोई ड्रिंक्स भी बुलाई, लीकर बुलाई, कोई अच्छे अच्छे ब्रांड्स बुलाए शराब के, और वो बॉटल टेबल पे, और जहाँ वो 12 लोगों में कम से कम 8 लोग पीने वाले थे वो पी रहे थे। और मैं तो बोला कि मैं पीता नहीं हूँ, मैं तो लेता हूँ कुछ तो भी, थम्सअप, कोका कोला, कुछ तो भी ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक लूँगा मैं। उन्हें मेरे लिए वो बुलाया, मगर ये जो मैं बैठा हुआ था, ये वही होटल में और 2 लोगों ने देख लिया, और फिर उनके आपस में चर्चा चालू हो गई कि डॉक्टर साहब जो वहाँ बैठे हुए हैं वहाँ शराब की इतनी बड़ी बॉटल है, और डॉक्टर केळकर भी उनके साथ में शराब पी रहे हैं। उन्होंने वो बात चर्चा करना चालू किया, एक ने उसका फ़ोटो निकाल लिया, दूसरे मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, और वो फ़ोटो वायरल कर दिया। मतलब मेरी इमेज खराब होने का कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जो बैठा, वहाँ शराब का मतलब वहाँ लोग ड्रिंक्स ले रहे थे, आपस में गप्पे मार रहे थे, शराब पी रहे थे, और मेरी फ़ोटो वहाँ खींची गई और वो वायरल कर दी। सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे कोई मेरे को आदमी मिला, बोले आपका तो फोटो देखा, आप तो शराब पी रहे थे, आप तो इधर व्यसन मुक्ति केंद्र चलाते हो। मैंने नहीं भाई, मैं कभी पीता नहीं हूँ। बोले नहीं, आपका फोटो मेरे पास में है कि आप वो टेबल पर बैठे हुए, होटल में बैठे हुए और शराब पी रहे। मैंने भाई बताइए, उसने बताया। मैंने कहाँ शराब पी रहा हूँ मैं, सामने बॉटल है, इसका मतलब मैं थोड़ी पी रहा हूँ शराब। मगर मुझे गलती समझ में आई मेरी कि भाई मैं वो पार्टी में बैठा हुआ था, तो मुझे ये एथिक्स मुझे देखना चाहिए था, मैंने वो देखना चाहिए था कि भाई ऐसे पार्टी में मैं हिस्सा ना लूँ, क्योंकि मेरी एक अलग इमेज है कि मैं अल्कोहल डिएडिक्शन सेंटर चलाता हूँ। लोगों के दिमाग में मेरे लिए एक एग्रीमेंट है, एक सोसाइटी में एग्रीमेंट है कि भाई नहीं, इन्होंने तो नहीं पीना चाहिए, और यदि मैं पीते हुए और ऐसे पब्लिक प्लेस में जब मैं वहाँ बैठा हूँ लोग पी रहे, तो फिर मेरे बारे में लोगों का एक लिसनिंग जो है, मेरे बारे में लोग जो सोचते हैं वो निकल जाता है, तो इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो मैंने जब उसको ये बातें सुनाई, तो फिर उसको एक एक बातें उसके जीवन के ख्याल में आई कि वो कैसा जिम्मेदार है। कुछ बात ऐसी हो जाती है, हम कहीं ना कहीं कुछ तो भी बोल देते हैं किसको, वो उसको अच्छा लगता नहीं है कोई व्यक्ति को, और फिर वो व्यक्ति उसका गलत अर्थ निकाल लेता है, और फिर अपने बारे में कुछ तो भी बाहर आ। मुझे और एक स्टोरी यहाँ याद आ रही है कि एक व्यक्ति ने मर्सिडीज कार लिया, उसके जो गुरु थे तो उनके पास में वो गया, और उन्होंने बोला कि भाई मुझे ब्लेसिंग दो, मैंने मर्सिडीज कार लिया हुआ है, और मुझे आप कार में बैठ के ब्लेसिंग दो, मैं आपको कार में लेके घुमाना चाहता हूँ, कि मेरी ऐसी इच्छा थी कि आपको मैं कार में बिठाऊँ मर्सिडीज में और गांव की सैर करके लाऊँ। तो गुरु जी कार में बैठे, उसकी इच्छा थी और उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको ब्लेसिंग देना है, इसलिए भी गुरु जी कार में बैठे। मगर कार में बैठे वो जब सैर करने गए गाँव में, तो 2 लोगों ने देख लिया, उनको ऐसा लगा कि ये कार जो है मर्सिडीज कार है, गुरु जी ने ली हुई है। और जैसी कार सिग्नल पे खड़ी रही, तो एक वहाँ जो आदमी खड़ा हुआ था उन्होंने गुरु जी को देख लिया, काफ़ी पॉपुलर इंसान थे वो वहाँ वो सिटी के, और बोला गुरु जी आप भी मर्सिडीज में बैठे हुए और आपने भी मर्सिडीज ले लिया, और वहाँ से फिर अफवाह चालू होगी कि ये गुरु जी जो है उन्होंने मर्सिडीज खरीद लिया, हालांकि उनकी गाड़ी नहीं थी, उनका कोई संबंध नहीं था, वो तो उनके शिष्य के साथ में बैठ के उसको ब्लेसिंग देने के लिए कार में घूम रहे थे, मगर लोगों ने उसको देख लिया और फिर ये अफवाह चालू हो गई कि गुरुजी ने मर्सिडीज ले लिया और गुरुजी ने बहुत पैसा कमाया हुआ है। बाहर तो बताते कि ये गुरुजी है, बाहर बताते अपना कुछ भी नहीं है, साधु संत है,
और बड़े बड़े मर्सिडीज कार में घूमते रहते और कार खरीदते रहते हैं। तो हम कैसे जिम्मेदार हैं? लोग नाराज होते हैं, तो लोग नाराज आपसे क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, हम समझ के बैठे, या वो समझ हमने देखी और वो हमने उसकी जवाबदारी लिया कि नहीं, लोग नाराज होते उसका कारण मैं हूं, तो हमको पता चल जाएगा हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि ये हमारे रोज के व्यवहार में आता है। लोग लगता है कि भाई लोग अपने बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, लोग नाराज़ क्यों हो जाते हैं, लोग अपसेट क्यों होते हैं अपने बारे में, है ना? तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए मैं ही कारणीभूत हूँ, मैं कहीं तो भी जिम्मेदार हूँ जिसकी वजह से मैं लोग अपसेट हो जाते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।